दर्शकों नमस्कार। खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां जन्मदिन पार्टी में नाचने पहुंची डांसर से गैंगरेप की घटना सामने आ रही है। नशीला पदार्थ देकर किया गया गैंगरेप। अब खबर विस्तार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नेताओं के राज्य में बेटियां आज सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। हाईटेक कानून व्यवस्था का गाना गाने वाली प्रदेश सरकार में आज भी अपराधियों को कानून का डर नहीं रहा। जनपद उन्नाव में दिल दहला देने वाली मामला आया सामने। उन्नाव में जन्मदिन पार्टी में नाचने पहुंची डांसर से सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया। महिला डांसर को 3 युवकों ने शराब पिलाकर एक के बाद एक बारी बारी से दुराचार किया। पीड़िता ने पुलिस से 3 युवकों पर जान से मारने की धमकी देकर बुरा काम करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस युवती की तहरीर के आधार पर 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और मामले को खंगालने का प्रयास कर रही है। जनपद उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र के जाजमऊ चौकी क्षेत्र का मामला। जन्मदिन पार्टी में नाचने के लिए बुलाई गई थी डांसर युवती, तीनों युवक घटना को अंजाम देने के बाद हो गए फरार। जनपद उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जाजमऊ चौकी क्षेत्र में दीपक नगर में मंगलवार को देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर के घर भतीजे का जन्मदिन पार्टी चल रही थी, जहां पर हो गई यह सामूहिक दुराचार की घटना। डांसर जनपद कानपुर नगर के अहिरवा क्षेत्र की बताई जा रही है। युवती का आरोप है कि कुछ युवकों ने डांसर को बहला फुसलाकर कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर ले जाकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। युवती का आरोप है कि उसे बहला फुसलाकर शराब पिलाकर दूर ले जाकर इस तरीके की उसके साथ घटना की गई। उन्नाव सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़ित के तहरीर के आधार पर 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़िता ने 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। आइए जानें इस मामले में सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने क्या कुछ कहा। जनपद उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। थाना गंगाघाट में एक युवती द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।